मुकद्दर में लिखे हुए का मिलना हर हाल में लाजिम है, मगर दुआएं तो नामुमकिन के लिए होती हैं, उनके लिए जो तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा नहीं होते। तुम कहते हो कि जब वो मुकद्दर में ही नहीं तो फिर मैं दुआएं क्यों मांगू। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि देने वाला मुकद्दर और तुम्हारे वसवसों से बहुत बड़ा है। क्या पता अल्लाह ने मुकद्दर का वो हिस्सा नामुकम्मल इसलिए रखा हो कि तुम उस खाली जगह को अपनी दुआओं से अपनी हाजत के मुताबिक मुकम्मल करोगे। क्या पता वही तुम्हारा नसीब हो जिस पर तुम हिम्मत हार बैठे हो। सबर से गुजारा करो, वो तुम्हारे यकीन का इम्तिहान लेता है, वो तुम्हें सजा नहीं देता, वो तो बस तुम्हें अपने करीब लाने के लिए आजमाता है। और तुम्हें पता है जो तुम ख्वाब देखते हो उनकी ताबीर तुम्हारी दुआओं में लिखी होती है, और तुम्हारे हाथों का अल्लाह के रूबरू उठाना तुम्हारा नसीब बदल देता है।